हेलो बच्चों, मेरा नाम है नितेश कुमार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी अरीना में। बच्चों, आज फिर से मेरा टॉपिक करंट अफेयर प्लस जीएस का है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड रेबीज़ डे के बारे में। ये क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड रेबीज़ डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, अर्थात किस दिन मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 28 सितंबर, यानी प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया जाता है। रेबीज़ क्या होता है, ये किस तरीके से ये बीमारी फैलती है और आप इससे खुद को किस तरीके से बचा सकते हैं, क्योंकि रेबीज़ जो है एक तरीके से जानलेवा बीमारी भी हो सकती है आप लोगों के लिए। तो इसी चीज़ को अवेयर करने के लिए 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में खास करके बहुत ज़्यादा, कि रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी, यानी कि जो रेबीज़ बीमारी है ये बेसिकली कुत्ते के द्वारा या किसी जानवर के खरोंच से किसी व्यक्ति को लग जाता है, तो ये रेबीज़ नामक बीमारी फैलती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए लुई पास्टर ने, जो कि फ्रांस के थे, उन्होंने एक टीके का खोज किया था, जिसको रेबीज़ का टीके का खोज किया था, जिसे अगर कोई कुत्ता काटेगा और रेबीज़ का टीका लगाया जाएगा तो आप लोगों को रेबीज़ की बीमारी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर जाएगा लुई पास्टर। ये भी पूछा जाता है कि वो कौन किस देश से संबंधित थे, तो वो फ्रेंच के केमिस्ट थे, यानी कि फ्रांस के रसायन थे। ठीक है, इन्होंने ही रेबीज़ के टीके की खोज की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। यहाँ पर एक और एडिशनल पॉइंट है आपके लिए कि वर्ल्ड रेबीज़ डे ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, तो ये करवाते हैं ग्लोबल अलायंस वर्ल्ड रेबीज़ कंट्रोल। ये एक अलायंस है जो अवेयर फैलाते हैं इसके बारे में और बेसिकली इस डे 28 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है, और ये 28 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लुई पास्टर जी की मृत्यु हुई थी 28 सितंबर को। ठीक है, आप देख सकते हैं ये लुई पास्टर जी की फ़ोटो है और इनका जो जन्म, यानी कि इनका जन्मदिन है 27 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर 1822 को हुआ था और ये मरे थे 28 सितंबर 1895 को। ये फ्रांस के रहने वाले थे। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपका बनता है आज के टॉपिक से, वो है थीम। आप जानते हैं कि थीम भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपसे पूछा जा सकता है कि रेबीज़ डे, वर्ल्ड रेबीज़ डे में 2019 की थीम क्या थी। तो इस बार की थीम थी रेबीज़ वैक्सीनेट टू एलिमिनेट रेबीज़, यानी कि रेबीज़ का टीकाकरण करें ताकि रेबीज़ को पूरी तरीके से मुक्त किया जा सके। ये टीके मानव को भी लगते हैं अगर कोई डॉग या कुत्ता काट लेता है तो, और ये कुत्तों को भी लगाया जाता है। अगर पहले ही टीका लगवा दिया जाएगा तो वो अगर किसी को काटते हैं तो उन्हें रेबीज़ नहीं होगा। जो भी लोग अपने घर में कोई पालतू कुत्ता पालते हैं तो वो अक्सर इन टीकों को लगवा के रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। बदले में मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्यूज़ को बढ़ाएं, मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए और भी मैंने बना के रखे हैं, उसे भी देखिए। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।